Hi everyone, welcome to Kids in Land of Kishu. Today we will discuss कि दशहरा कैसे मनाते हैं और जो भी रिचुअल्स होते हैं, पूजा होती है दुर्गा पूजा में, तो उसका एक अलग ही महत्व है. बिकॉज ये वाले जो नवरात्र हैं, एक तो वेदर चेंज होता है, उसके अलावा जितने भी होम और पूजा होती है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी पूरे एनवायरमेंट में आ जाती है, और उसकी वजह से जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जितने भी बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज़ होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है. और दशहरा को असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है, जिसमें रावण का दहन किया जाता है और सत्य की विजय होती है. इस दिन राम जी ने रावण को पराजित किया था, और इसी उपलक्ष्य में हम दशहरा मनाते हैं. और दुर्गा पूजा का भी एक अलग ही महत्व है, जिसमें नौ देवियों की पूजा की जाती है 9 दिन तक, और बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं ये 9 दिन. इसमें जितना भी दान पुण्य वो सारा किया जाता है, और लोग अच्छे पोशाक पहनते हैं, दुर्गा अपना जितना भी ध्यान है दुर्गा पूजा में लगाते हैं. और बंगाल में तो ये सबसे ज़्यादा जो है पूजा जाता है, और इसमें देवी दुर्गा का मूर्ति स्थापित की जाती है, कलश स्थापना की जाती है, और उसके बाद जो भी पूजा वगैरह करके और दशमी पे दुर्गा माँ की जो प्रतिमा होती है उसको विसर्जित किया जाता है. सो आज हम लोग मंदिर गए थे, और ये जो है बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था मंदिर को. हर एक जो दरबार था, चाहे वो कृष्ण दरबार हो, चाहे शिव पार्वती दरबार हो, या फिर विष्णु दरबार हो, उसके अलावा हनुमान जी दरबार है, और लक्ष्मी मैया, चाहे संतोषी माता हो या माँ दुर्गा हो, क्योंकि उन्हीं के 9 दिन हैं, तो बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया था. और उसके बाद जो भी कार्निवाल्स होते हैं, तो नोएडा में काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे रामलीला का आयोजन किया जाता है, और जो रावण दहन होता है दशहरा के दिन, तो कल दशहरा है, रावण दहन होगा. और जो भी कुछ जो मैंने इसमें कुछ क्लिप्स ऐड ऑन किए हैं, तो वो आप देख सकते हो. अगर आप आसपास ही रहते हो नोएडा में, तो आप जाके उस कार्निवाल का आनंद भी ले सकते हो, जिस जो कि आप 2-3 इसमें 2 या 3 तरीके के गेट्स हैं. तो या तो आप स्टेडियम की तरफ से जा सकते हो, या फिर आप 12-22 की तरफ से भी जा सकते हो. तो वहाँ पे जो कार्निवाल में बहुत सारे झूले, और आप एक बजटेड जो है तरीके से घूम सकते हो. खाना पीना भी बहुत बजटेड है वहाँ पे, इफ़ यू वांट टू हैव फूड देयर. तो ये एंट्री है, एंट्री में बहुत ही सुंदर सा फाउंटेन था. ये स्टेडियम है जहाँ पे डिफरेंट जो भी गेम्स वगैरह हैं उसकी प्रैक्टिस और कोचिंग दी जाती है. और ये एंट्री पॉइंट पे काफ़ी क्लीनलीनेस के साथ इसको मेंटेन किया गया है, और इसी से ये हम एंट्री ले रहे हैं. एंट्री में पूरा, क्योंकि लोग इधर से भी आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग इजीली, आप गाड़ी से जाओगे तो आप अंदर की तरफ पार्किंग लगा सकते हो. वहाँ से लगाने के बाद जब आप एंट्री करते हो, तो एंट्री में जो 2-3 कैफेज हैं, शिरोज कैफे, जो आपने एसिड विक्टिम्स देखी होंगी, उनको हैंडओवर किया गया है, तो वो इसको मेंटेन करते हैं. ये एंट्री है कार्निवाल की, रामलीला की. तो यहाँ पे रामलीला परफॉर्म की जा रही है, तो वो 9:30 के 10 o'clock के बाद स्टार्ट होती है. तो उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, तो आप अगर गोल्ड वगैरह पहन के जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने रश में आपको पता नहीं होता कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. और यहाँ पे झूले थे काफ़ी, मतलब अच्छे तरीके से, क्योंकि बच्चों को थोड़ा एक्साइटमेंट होता है ये सब देखने का, क्योंकि बड़े लोगों को तो इतना नहीं होता कि इतने रश में जाना काफ़ी मुश्किल होता है. तो थोड़ी देर के लिए जाके आप बच्चों को दिखा के आ सकते हो. सो वी वेंट देयर फॉर सम टाइम, एंड ये रामलीला का मंच है जहाँ पर अभी हनुमान जी की आरती हो रही है. आरती के बाद जो है राम स्वागत गीत होगा, और उसके बाद जो है रामलीला परफॉर्म होती है. तो उसके बाद रामलीला में बाकी सारे लोग वगैरह आते हैं और बैठे रहते हैं वहाँ पर, इंतज़ार करते हैं रामलीला का, जो है इंजॉय करते हैं. सो दिस इज़ द होल जो भी रामलीला के अंदर की जो भी डिटेल्स थी, आप जाके देख सकते हो अगर आसपास हो. ये पूरा कार्निवाल झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो इसमें बजटेड आप
थोड़ी बहुत बच्चों के लिए शॉपिंग कर सकते हो. सो एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. थैंक यू.